Assalamu alaikum ji. This is Muhammad Alman and my subject is Financial Accounting 2, ADP Semester 2 of Business Management and Accounting and Finance. Hamara aaj ka lecture, hamari book ka chapter number 13, book ka page number 504, Accounting for Corporations. हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो लर्निंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या हैं उसको जरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. नंबर वन इज आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो कॉरपोरेशन होंगे उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. हमारी जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है ये एक बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. फिर उसके कंपोनेंट्स की डिस्कशन क्या है वो भी इस चैप्टर में डिस्कस होगा हमारा सारा. देन उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस होंगे कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक के. स्टॉक मीन्स यहाँ पर हम बात शेयर्स की करेंगे कि शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. इसमें दो मेजर टाइप्स हमारी कॉमन एंड प्रेफर्ड की बात होती है और उनके करेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन होगी. फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन होगी आइटम्स रिपोर्टेड इन रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग हमारी बैलेंस शीट का एक मेजर कॉम्पोनेंट है, बड़ा एक कॉमन कॉम्पोनेंट. उसके बारे में डिस्कशन है हमारी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये डिस्कशन होंगी हमारी. देन उसके बाद उसने कहा जी कि रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक. हमारा जो कॉर्पोरेट स्टॉक है मीन्स जो हमारे शेयर्स हैं वो किस तरह से इशुएंस होंगी, उसकी इशुएंस की रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी उसके बारे में डिस्कस होगा. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स बिटवीन कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक. फिर डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से है, कॉमन स्टॉक को डिविडेंड कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रेफर्ड स्टॉक को कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा. देन उसके बाद हमारी डिस्कशन है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग कैश डिविडेंड्स. डिविडेंड की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारे नंबर वन हमारी कैश डिविडेंड है, उसको किस तरह से हम लोग डिस्पर्स करते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. देन उसके बाद डिफरेंट सेकंड टाइप है उसकी स्टॉक डिविडेंड्स, उसके बारे में बात होगी. फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा स्टॉक स्प्रेड्स के नाम से है, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस होगा हमारा. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेजरी स्टॉक के बारे में, व्हाट इज ट्रेजरी स्टॉक एंड ट्रेजरी स्टॉक की परचेजिंग किस तरह से होती है, परचेज के बाद उसकी सेल किस तरह से होती है. और फाइनली हम उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ द स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे स्टॉक की रिटायरमेंट किस तरह से होती है. तो ओवरऑल इन शॉर्ट हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस किया जाएगा अबाउट द कॉरपोरेशन. अब हम अपने टॉपिक को एक थॉरली स्टार्ट लेते हैं कि हमारा टॉपिक किस तरह से स्टार्ट होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉरपोरेशन. अ कॉरपोरेशन इज अ लीगल एंटिटी That is separate and distinct from its owner. हमारी ये जो first sentence discuss किया गया, इस sentence के अंदर हमारी accounting का एक बड़ा vast concept that is separate legal entity concept है हमारे पास एक, जिसमें हम ये discuss करते हैं कि हमारा owner और हमारे owner के साथ उसका जो business है ये दो separate entities हैं. Owner separate है, business उसका separate है. Business itself अपने नाम से working करता है, बिजनेस का ऑनर के साथ कोई डायरेक्टली लिंक जनरेट नहीं करता विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग. हम लोग जो अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं वो अकाउंटिंग बिजनेस की परफॉर्म की जाती है, ऑनर की नहीं होती. तो इसीलिए हमने कहा कि कॉरपोरेशन इट्सेल्फ एक लीगल एंटिटी है जो कि अपने ऑनर से डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है. फिर उसके बाद हमने कहा कि कॉरपोरेशन इंजॉय मोस्ट ऑफ द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इंडिविजुअल्स पोजेस. अब इंडिविजुअल पोजेस करता है बहुत से राइट्स और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही राइट्स और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी कॉरपोरेशन जो है वो भी इंजॉय करती, मीन्स हमारी कंपनीज भी वो चीज इंजॉय करती है. अब वो किस तरह से इंजॉय करती है कि हमारी कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जो कि कंपनी को, कॉरपोरेशन को एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम देती है. तो जब उसको पर्सन का नाम दे दिया गया तो फिर उसको पर्सन के राइट्स भी दिए गए और उसको पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वही दी गई जो एक नेचुरल पर्सन के पास होती. नेक्स्ट आगे हमने फिर उसके बाद कहा कि दे कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स. वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है अपने नामों के साथ. लोन एंड बोरो मनी, वो लोन भी ले सकती है, वो पैसे बोरो भी कर सकती है. सू, केस फाइल कर सकती है. सू मीन्स किसी पे केस करना है, एंड बी सूड, और इस पर भी केस किया जा सकता है. हायर एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है,
ओन एसेट्स, अपने एसेट्स परचेज कर सकती है एंड पे टैक्सेस और टैक्सेस पे करती है। और ये सब कुछ, ये जितना कुछ बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना, लोन लेना, पैसे बोरो करना, केस फाइल करना, अपने ऊपर केस करवाना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, एसेट परचेज करना, टैक्सेस पे करना, ये सब के सब काम कंपनी अपने नाम से करती है, ना कि ऑनर के नाम से किया जाता है। और आगे उसने कहा कि सम रेफर टू इट्स एज अ लीगल पर्सन। जैसे मैंने भी पहले बताया था कि कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जो इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम देती हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन एक लीगल पर्सन का स्टेटस भी यहां पर उसको दिया गया है। तो इन शॉर्ट, फिर अगर हम कॉर्पोरेशन को सम अप करने की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेशन क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके पास वो तमाम राइट्स हैं, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक नेचुरल पर्सन इट्सेल्फ पोजेस करता है। तो इसी तरह से फिर कंपनी भी एक खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है, और कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपनी एम्प्लॉयज हायर करती है, अपने एसेट्स परचेज करती है। इन शॉर्ट, पूरी की पूरी अकाउंटिंग हम फिर क्या करेंगे, कंपनी की इट्सेल्फ परफॉर्म करेंगे। उसके ऑनर अपनी कंपनी से क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, सेपरेट होंगे। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन काफी हद तक हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने आगे देखिए जरा, तो हम बात करेंगे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको मैंने थोड़ा सा फ्लोचार्ट में एक्सप्रेस किया कि एन एंटिटी, ये एक एंटिटी है क्रिएटेड बाय लॉ। इस पॉइंट के ऊपर हम जहां पर छोटी सी डिबेट करते हैं कि जो हमारी कंपनी है, जिसको हम कॉर्पोरेशन का नाम देते हैं, कंपनी का नाम देते हैं, ये एक एंटिटी ऐसी है जो कि किसी लॉ के तहत क्रिएट की जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में कंपनीज बनाने के डिफरेंट लॉज हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग मार्केट में हमें नजर आएगा, जिसमें पुराना एक्ट जो था हमारा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का था, और रिसेंटली 2 years back, 3 years back उसको अपडेट किया गया, और कंपनीज एक्ट 2017 एक मार्केट में नया प्रिवेल किया। बैंकिंग कंपनीज की अगर हम बात कर लेते हैं, 1962 का एक्ट है हमारे पास। मुदारबा कंपनीज की बात करते हैं तो 1980 का एक्ट है। इन शॉर्ट, हर कंपनी बनाने का कोई ना कोई लॉ है। तो वही पहले पॉइंट के अंदर हमने यहां पर इसको लिखा है कि एन एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, कि एक लॉ के तहत जो एंटिटी क्रिएट की जाती है, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। नंबर टू पे हमने कहा कि एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। अभी हमने बड़ी डिटेल इस पॉइंट को डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कंपनी है वो और उसका ऑनर दो सेपरेट एंटिटीज के तौर पर उसमें काम कर रहे होंगे हमारे पास। उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट पर हमने लिखा है कि हैज राइट्स एंड प्रिविलेजेस, और वही बात अभी जैसे हम पहले पढ़कर आए कि इसके पास अपने कंप्लीट राइट्स होते हैं, वो तमाम राइट्स जो कि एक नॉर्मल पर्सन के पास होते हैं, वो इसके पास भी सारे राइट्स होते हैं, और इसको तमाम प्रिविलेजेस भी वही मिलती हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को मिलती हैं। उसके बाद हमने यहां पर एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि ऑनरशिप कैन बी, इसकी ऑनरशिप कैन बी को आगे दो पोर्शन में डिवाइड किया, प्राइवेटली हेल्ड और पब्लिकली हेल्ड। अब प्राइवेटली हेल्ड और पब्लिकली हेल्ड की बात करते हैं, तो पब्लिकली हेल्ड में यह होता है कि नंबर ऑफ persons, टू मैनी persons, क्योंकि अगर हम बिजनेस की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करें, तो नॉर्मली आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें नंबर वन हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे अपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें सिंगल ऑनर होता है। पार्टनरशिप के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें मिनिमम 2% और मैक्सिमम 20% होते हैं, या मैक्सिमम 10% होते हैं। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10% है, और अगर ऑर्डनरी बिजनेस है तो उसमें 20% तक की बात होती है। लेकिन जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम की कोई लिमिट हमारे पास नहीं होती। तो फिर ऐसी कंपनीज जिसमें नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हम लोग पब्लिकली हेल्ड भी कहा जाता है। और प्राइवेटली हेल्ड का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनीज जिसमें फ्यू पर्सन, जिसमें मिनिमम नंबर मेंबर्स की जो होती है वो 2 होती है, और मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 मेंबर्स तक होते हैं, उससे ज्यादा उसमें नहीं होती, उसको प्राइवेटली कहा जाता है। और पब्लिकली जो हेल्ड कंपनीज होती हैं, इसमें मिनिमम नंबर जो होते हैं मेंबर्स के, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारी लिस्टेड कंपनी होगी तो मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, और अगर हमारे पास नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं तो उसके मिनिमम 3 मेंबर्स के साथ भी कंपनी को ऑपरेट किया जा सकता है, और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। अब ये जो वर्ड मैंने भी बोला है, लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड की बात कर रहे हैं, तो लिस्टेड मींस वो कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड की जाती हैं, उसको लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है, और जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होती उनको नॉन लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ एक सामने कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, उसकी बात होती है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करनी है अब इसकी, कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। अब हमारी कॉर्पोरेशंस के कुछ मैंने मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ऊपर बात हमने की है। कि सबसे पहला पॉइंट तो हमने वही लिखा बेटा कि सेपरेट लीगल एंटिटी की हम बात करते हैं, कि हमारी जो बिजनेस एंटिटी है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स ऑनर। पहले भी हमने बात की कि ऑनर अलग है बिजनेस अलग है। बिजनेस इट्सेल्फ अपने नाम से काम करता है,
अपने एसेट्स परचेस करता है, अपनी लाइबिलिटीज को फेस करता है, अपना बर्डन खुद बियर करता है। नंबर सेकंड के ऊपर हमने इसका एडवांटेज यहां पर हमने ये लिखा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स। ये भी एडवांटेज है हमारे स्टॉक होल्डर्स, मीन यहां पर हम शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं कि जो कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, इनको एक ये एडवांटेज है कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब इसको मैं कंपैरिजन करूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के साथ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि वहां पर बिजनेस सेपरेट नहीं होता अपने ऑनर से, ऑनर अपने नाम से हर काम कर रहा होता है और बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए ऑनर को प्राइवेटली अपनी तमाम प्रॉपर्टी भी अगर सेल करनी पड़ती है तो वो करेगा और बिजनेस के तमाम डेट्स को पे ऑफ करने की बात करेगा। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं कंपनीज के साथ, तो हमने कंपनी के बारे में ये पढ़ा है यहां पर कि हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स है, कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और लिमिटेड कहां तक है, वहां तक लिमिटेड है जहां तक इन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर शेयर्स को परचेस करने के लिए। कि इनकेस अगर कंपनी को कल को लॉस होता है, कंपनी वाइंड अप भी होती है, तो इनको मैक्सिमम सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं इसके अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, तो हमने पॉइंट पे यहां पर लिखा कि ट्रांसफरेबल ऑनरशिप राइट्स। अब यहां पर ऑनरशिप राइट्स मीन्स कि हम लोग जब कंपनी के ऑनर बनते हैं तो वो किस तरह से बनते हैं कि हम कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं। अब ये शेयर्स क्या हैं इसके बारे में डिस्कस हम आगे जाकर करेंगे। तो कंपनी के जब हमने शेयर्स परचेस कर लिए, हम कंपनी के ऑनर बन गए, तो हमारे पास एक एडवांटेज है कि वो जो शेयर्स हैं हमारे, हमारे पास जो कंपनी का ऑनरशिप राइट है वो ट्रांसफरेबल होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि हम जब चाहें उन शेयर्स को मार्केट में जाकर सेल कर सकते हैं और अपना ऑनरशिप राइट किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हम ऑनर नहीं रहेंगे बल्कि जो शेयर्स हमसे परचेस करेगा ही विल बिकम द ऑनर ऑफ द कंपनी एंड सो ऑन। इसी तरह से उसके पास भी ये राइट होगा कि वो भी अगर कल को चाहता है तो आप मजीद आगे सेल करके मजीद आगे से आगे इन राइट्स को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर फोर पॉइंट के अंदर हमने लिखा कि कॉन्टिन्यूस लाइफ की बात होता है। अब कुछ बुक्स में इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लिखा गया है, परपेचुअल सक्सेशन की बात की गई है। परपेचुअल सक्सेशन का पॉइंट या कॉन्टिन्यूस लाइफ का बात करते हैं, तो कॉर्पोरेशन की जो लाइफ होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। क्यों? कि इसके अंदर ऑनर्स के साथ ऑनर का चेंज होना, कौन ऑनर है कंपनी का, शेयर्स कौन किसको बेच रहा है, इस चीज का बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ कोई लिंक नहीं होता। इसीलिए कंपनी की लाइफ फिर बहुत लंबी होती है कि जितने मर्जी ऑनर्स बदलते रहें, शेयर्स आगे से आगे सेल होते रहते हैं, लेकिन कंपनी वहीं पर एग्जिस्ट करती है, काम करती रहती है। और इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाकर देखें तो कुछ कंपनीज आपको ऐसे भी मिलेंगे जो दो सौ साल पुरानी कंपनीज है। इसका मतलब उनकी लाइफ कंटिन्यू है और दो सौ साल में ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि दो साल पहले जिन्होंने शेयर्स परचेज किए थे आज भी उन्हीं के पास होंगे, वो शेयर्स आगे फर्दर पता नहीं कितने हाथों में सेल हो चुके होंगे, लेकिन कंपनी की लाइफ जो है वो कंटिन्यूस है, वो चलती जा रही है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने कहा जी स्टॉक होल्डर्स आर नॉट कॉर्पोरेट एजेंट्स। अब ये पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया बेटा कि जो स्टॉक होल्डर्स मीन शेयर होल्डर्स हैं, ये उस कंपनी के कॉर्पोरेशन के एजेंट्स नहीं होते। मींस के इनका डायरेक्टली कंपनी के साथ, कंपनी के ऑपरेशंस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने बिहाफ पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको हम कंपनी की एक्टिविटी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी के एजेंट बनकर काम नहीं करता। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ या पार्टनरशिप के साथ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का ऑनर है वो बिजनेस का एजेंट है और वो जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको बिजनेस का एक्शन समझा जाता है। इसी तरह से पार्टनरशिप के अंदर भी कोई भी पार्टनर कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का अगर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको उस बिजनेस का एक्शन कंसिडर किया जाता है। लेकिन स्टॉक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो शेयर होल्डर अगर किसी भी किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको कंपनी का एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, उसको कंपनी का एक्शन नहीं समझा जाएगा। उसकी वजह कि कंपनी के वो एजेंट्स के तौर पर काम नहीं कर रहा। नंबर नेक्स्ट है ईज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब सम करना, कैपिटल इकट्ठा करना कंपनीज के अंदर आसान होता है, क्योंकि इसमें जितने चाहे हम अपने ऑनर्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितना कैपिटल की जरूरत होती है हम उतने ज्यादा शेयर सेल करते रहेंगे और आसानी से कैपिटल इकट्ठा करते चले जाते हैं। ये तो थे इसके कुछ एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस के अंदर हमने बात की है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करते हैं कि गवर्नमेंटल रेगुलेशन की बात यही है कि फिर जब हमने जब इसको किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड करवा लिया तो फिर हमारे ऊपर कंपनी के हमारे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसका इम्पोज कर दिए जाते हैं हमारे ऊपर और हमने उनको फॉलो करना लाजमी होता है। और इसी तरह से फिर कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात करते हैं कि हमारे ऊपर जो टैक्सेशन का भी काम है वो भी सारा का सारा कौन सा अप्लाई हो रहा होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आगे की तरफ मूव करते हैं जी। अगली स्लाइड हमारे पास आती है जी ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ कॉर्पोरेशन।
मैं कंपनी की वर्किंग को कंपेयर करता हूँ एक डेमोक्रेटिक स्टाइल के साथ कि डेमोक्रेसी, हमने एक वर्ड सुना डेमोक्रेसी, जिसको जमहूरियत का नाम दिया जाता है, जिसका जनरल मीनिंग ये लिया जाता है कि एवरी पर्सन हैव अ राइट टू रूल, कि रूल करने का राइट हर पर्सन के पास होता है। अब इसी तरह से जो कंपनी के शेयर्स खरीदते जा रहे हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते जा रहे हैं, वो मालिक बनते जा रहे हैं, मालिक के पास तो पूरा राइट होता है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में नंबर ऑफ पर्सन होते हैं जो ऑनर बन जाते हैं, शायद 100 में, शायद हजारों में, थाउजेंड्स में हो जाते हैं पर्सन। अब दिस इज नॉट पॉसिबल कि उन हजारों बंदों को मिलाकर हम बिजनेस को कैरी कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं, अगर आप यहां पर देखिए तो स्टॉक होल्डर्स अपने में से कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट का मतलब बाय इलेक्शंस, उनको इलेक्ट किया जाता है और उनको डायरेक्टर्स का नाम दे दिया जाता है और पूरा एक बोर्ड बना दिया जाता है उन डायरेक्टर्स का, और फिर कंपनी की सारी मैनेजमेंट उन डायरेक्टर्स के हैंडओवर कर दी जाती है। और जो बाकी स्टॉक होल्डर्स होते हैं, फिर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे साइलेंट हो जाते हैं और उनके पास कंपनी की वर्किंग के अंदर टेक पार्ट करने का कोई राइट नहीं होता। फिर वो डायरेक्टर्स ऑल इन ऑल होते हैं, कंपनी के सारी वर्किंग वो लोग कैरी कर रहे होते हैं। फिर डायरेक्टर्स आगे फर्दर फिर क्या करते हैं, अपने नीचे कुछ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड अदर ऑफिसर्स, और उसके बाद नीचे एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेशन, इनको हायर करते हैं अपनी मर्जी से, और इन सारी की सारी वर्किंग को फिर कौन कैरी कर रहा होता है, डायरेक्टर्स कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक हायरार्की है किसकी, एक ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो किस तरह से कैरी किया जाता है। फिर इसी तरह से मैंने इसको एक डिफरेंट चार्ट के अंदर एक्सप्रेस किया, अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो मैंने की पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है कि स्टॉक होल्डर्स के साथ मैंने दो चीज़ों को अटैच किया कि अल्टीमेट कंट्रोल तो इन्हीं के पास है। स्टॉक होल्डर्स यूजली मीट्स वंस इन अ ईयर, अब ये मतलब क्या है जी कि स्टॉक होल्डर्स यूजली मीट वंस इन अ ईयर, कि तमाम के तमाम शेयर होल्डर्स साल में यूजली एक बार मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं कि कंपनी के अंदर साल में एक ऐसी मीटिंग कंडक्ट करवाना लाजमी होता है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है, कि जिसमें कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो तमाम शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस उसके लिए ज़रूरी होती है। बड़ा एक लंबा छोटा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले, बट इतना सिर्फ सम अप कर दिया कि बहुत से काम ऐसे हैं जो उस मीटिंग के लिए पेंडिंग किए जाते हैं कि वो काम तमाम शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस में होने लाजमी होते हैं। तो फिर वो एक ऐसी मीटिंग होती है कि जिसमें तमाम शेयर होल्डर साल में एटलीस्ट एक बार तो लाजमी मिलते हैं। उसके बाद हमने कहा कि डायरेक्टर्स की बात की है, तो डायरेक्टर्स के साथ हमने दो चीज़ें लिखी है कि सिलेक्टेड बाय वोट ऑफ द स्टॉक होल्डर। जैसे भी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था कि स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि अपने में से कुछ लोगों को, स्टॉक होल्डर्स में से ही कुछ लोगों को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाए, सिलेक्ट किया जाता है बाय वोट, यानी कि इलेक्शंस के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको डायरेक्टर्स बनाकर कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हैंडओवर कर दी जाती है, और उसके बाद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द कंपनी इनको दे दी गई कि नाउ यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि अब कंपनी आपके हाथ में है और आपने अपने हिसाब से कंपनी को क्या करना है, कैरी करना है। फिर उसके बाद नीचे देखिएगा तो हमने बात की है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मींस, अब यहां पर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नेम यूज करती हैं, कुछ कंपनी जिसको मैनेजर्स का नाम दे देती हैं, कुछ लोग डायरेक्टर्स की सब डिवीजन के ऊपर आ जाते हैं जिसको डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स का नाम दे देते हैं, मैनेजर्स का नाम दे देते हैं, एंड सो ऑन, ये सारी की सारी डिवीजन फिर आगे आती है और फर्दर हमारी फिर वर्किंग लेयर्स बनती चली जाती हैं और हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनती चली जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे हम बात करते हैं जी राइट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स की। अब राइट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स, वैसे तो बहुत से राइट्स हैं लेकिन मैंने यहां पर बड़े कॉमन से पांच राइट्स के बारे में डिस्कस किया कि वोट एट स्टॉक होल्डर्स मीटिंग। जैसे भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि साल में एक ऐसी मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें तमाम शेयर होल्डर्स वहां पर बुलाए जाते हैं, स्टॉक होल्डर्स बुलाए जाते हैं, और कंपनी के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि उन डिसीजंस को लेने की जो पावर है वो डायरेक्टर्स के पास भी नहीं होती। फिर वो डिसीजन कौन लेता है, वो डिसीजन शेयर होल्डर्स ने खुद लेने होते हैं, और किस तरह से लेने होते हैं, बाय कास्टिंग अ वोट, यानी कि अगर हम किसी एक चीज के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहां पर फिर बकायदा उस डिसीजन के ऊपर वोट कास्ट करवाए जाते हैं। फिर जितने शेयर होल्डर्स उस वहां पर मीटिंग में बैठे होते हैं उसमें से जितने वोट कास्ट होते हैं, अगर तो मेजोरिटी वोट कास्ट करती है किसी एक साइड के ऊपर, तो जिस साइड पर वोट कास्ट किए जाते हैं वो डिसीजन एक्सेप्टेबल समझा जाता है। सेकेंड राइट के ऊपर बात की सेल स्टॉक, जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं अभी कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स का राइट है, अपना ऑनरशिप राइट है, वो क्या कर सकते हैं, बासानी सेल कर सकते हैं। परचेज एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक, ये भी बात होती है कि कंपनी अपनी लाइफ में अगर दोबारा शेयर्स इशू करना चाहती है और कैपिटल इकट्ठा करना चाहती है तो कंपनी फिर पहला राइट किन को देती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उनको राइट दिया जाता है कि इफ यू वांट टू परचेज द शेयर्स, अगर आप लोग शेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज करें, और अगर वो लोग इस चीज से इनकार करते हैं देन फिर कंपनी क्या करती है कि उसको फिर जनरल मार्केट में पब्लिक के लिए ले आती है, मार्केट में जनरल पब्लिक के लिए ले आती है।
नंबर फोर के ऊपर हमने लिखा कि रिसीव डिविडेंड्स, इनके पास राइट होता है कि ये लोग अपने शेयर्स के ऊपर क्या करेंगे, डिविडेंड्स रिसीव करेंगे इफ एनी। अब ये इफ एनी का मतलब क्या है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी की पॉलिसी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की है तो मिलेगा, क्योंकि बाजूकात ऐसा होता है कि कंपनीज को प्रॉफिट्स नहीं हुए, या बाजूकात ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स थोड़े हुए और कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि उन प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि उन पैसों को हमने एज अ रिजर्व अपने पास क्या कर लेना है, सेव करना है। तो इफ एनी का मतलब ये है कि अगर डिविडेंड्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं तो इनके पास पूरा राइट है कि अपना डिविडेंड अपने शेयर्स के ऊपर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। देन उसके बाद हमने आगे कहा जी शेयर इक्वली इन एनी एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर क्रेडिटर्स एंड पेड इन अ लिक्विडेशन। अब ये जो टर्म लिखी यहां पर लिक्विडेशन, इसका मतलब क्या है? लिक्विडेशन कंपनी को वाइंड अप करने का एक प्रोसीजर है कि जिसमें क्या किया जाता है कि कंपनी के तमाम जो एसेट्स हैं उनको मार्केट में सेल किया जाता है, पैसा रियलाइज किया जाता है, और फिर उसके बाद कंपनी के जितने क्रेडिटर्स हैं, मींस कंपनी की जितनी लायबिलिटीज हैं, उनको पे ऑफ किया जाता है, और लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद फिर जो पैसा बच जाता है वो फिर तमाम शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और वहां पर शेयर इक्वली इन एनी एसेट्स रिमेनिंग। एसेट्स रिमेनिंग का मतलब कि तमाम क्रेडिटर्स को पे करने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो फिर जो है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स, की बात हमने कर दी यहां पर। क्लियर होगी जी बात? नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं जी। अब हम बात करेंगे जी व्हाट इज शेयर। अब उसकी डेफिनेशन के ऊपर हमने बात की है जी। ईच यूनिट ऑफ ऑनरशिप इज कॉल्ड अ शेयर ऑफ स्टॉक। अगर इसको मैं आसान वर्ड्स में और एक और तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं इसको यह कह सकता हूं, कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल यूनिट्स। कि कंपनी का जो कैपिटल है उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल यूनिट्स में, एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। यही बात यहां पर भी लिखी कि ईच यूनिट ऑफ ऑनरशिप, कि कंपनी की जो ऑनरशिप है उन ऑनरशिप्स को हम यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर यूनिट जो है ऑनरशिप का वो क्या कहलाता है, शेयर ऑफ स्टॉक, यानी कि शेयर कहते हैं उसको या स्टॉक का नाम दिया जाता है। और जिसे हमने लिखा भी है स्टॉक सर्टिफिकेट, बकायदा फिर ये एक पेपर सर्टिफिकेट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, सर्व्स एज प्रूफ दैट अ स्टॉक होल्डर हैज परचेज शेयर्स। तो और फिर वो जो सर्टिफिकेट है, वो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो इस चीज की प्रूफ होता है कि वो शो करता है कि जी हाँ जी इस पर्सन ने कंपनी को पैसा देकर कंपनी से शेयर्स खरीदे हैं, एंड नाउ ही इज द ऑनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी में अपनी ऑनरशिप रखता है, और ऑनरशिप कितनी रखता है, जितने उसने शेयर्स परचेस किए। अगर एक शेयर परचेस किया है तो एक शेयर के अकॉर्डिंग उसकी ऑनरशिप होगी, और अगर ज्यादा शेयर्स परचेस किए हैं तो ज्यादा शेयर्स के अकॉर्डिंग उसकी ऑनरशिप होगी, एंड सो ऑन। जितने शेयर्स होंगे उतनी ऑनरशिप होती है हमारे पास। अब यहां पर हमने कंपनी के कैपिटल के ऊपर बात की जी। कैपिटल स्टॉक या इसका दूसरा नाम जिसको हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो बेसिक्स ऑफ कैपिटल स्टॉक की कुछ बेसिक्स हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज कैपिटल स्टॉक। उसकी डेफिनेशन हमने यहां पर लिखी है, द सम ऑफ द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। के जो कंपनी है, जो हमारी कॉरपोरेशन है, उसके जो शेयर्स हैं, यानी कि फिर कंपनी के टोटल कैपिटल को जब डिवाइड किया गया स्मॉल यूनिट्स के अंदर, और ईच यूनिट को हमने शेयर का नाम दिया था, तो जितने भी शेयर्स होंगे उन तमाम शेयर्स की जो वैल्यू होगी उसको अगर हम सम कर लें तो वो कंपनी का क्या बन जाता है, कैपिटल स्टॉक बन जाता है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं जी। अब एक और टर्म है हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल की। नाउ व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल मींस मैक्सिमम कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड। अब होता यह है कि कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, कंपनी जब अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखती है, कंपनी जब अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखती है, और कंपनी अपने आप को जब रजिस्टर्ड करवाने की बात करती है, तो कंपनी कैपिटल की एक लिमिट रजिस्टर्ड करवाती है। एक कैपिटल की एक लिमिट रजिस्टर्ड करवाने का मतलब है कि कैपिटल की एक अमाउंट रजिस्टर्ड करवाती है, जिसको हम नाम देते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल का। अब वो अमाउंट क्या है, वो कंपनी अपने लिए एक बाउंड्री ड्रॉ करती है कि कंपनी अपनी लाइफ में इससे ज्यादा कैपिटल इकट्ठा नहीं कर सकती, कंपनी इस लिमिट से ज्यादा शेयर्स मार्केट में सेल नहीं कर सकती, फिर उस कैपिटल को हम क्या नाम देते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे आगे लिखा है कि कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन एक्सेस ऑफ ऑथराइज्ड लिमिट, कि जो लिमिट उनको ऑथराइज कर दी गई, जितना ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर्ड हो चुका है, कंपनी उससे ज्यादा शेयर्स अपनी लाइफ में इशू नहीं कर सकती। हमने फिर फर्दर आगे कहा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, और इस कैपिटल को हम लोग फिर रजिस्टर्ड कैपिटल का नाम भी देते हैं, या इसके साथ साथ इसको नॉमिनल कैपिटल का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आती है जी एक और टर्म, इशूड कैपिटल।
अब होता यह है कि जब ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो ऑथराइज कैपिटल के रजिस्टर्ड करवाने के टाइम कंपनी दो चीजों को माइंड में रखकर चल रही होती है कि कंपनी को करंट नीड क्या है, कंपनी को करंटली कितना पैसों की जरूरत है, और दूसरी चीज कंपनी यह माइंड में रखती है कि करंट नीड तो पूरी हो गई, उसके बाद कंपनी अगर कल को अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना चाहती है और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी को उस वक्त भी तो कैपिटल चाहिए, तो फिर कंपनी दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए ऑथराइज कैपिटल अपना रजिस्टर्ड करवाती है। सपोज करते हैं जी, लेट सपोज कंपनी ने अपना 10 मिलियन का ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड करवा लिया 10 मिलियन का। अब आगे हमने कहा जी इशूड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब यह है कि अब 10 मिलियन में से कंपनी को जो वक्ती जरूरत है वो 5 मिलियन की, तो कंपनी जो 5 मिलियन के शेयर्स मार्केट में लेकर आएगी जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी कि हम इतने शेयर सेल करना चाहते हैं। ठीक हो गया। इशूड कैपिटल का मतलब, इशूड का मतलब वो नहीं कि जो इशू हो गए, इशू का मतलब उतने शेयर जो मार्केट में लाए गए फॉर द सेल पर्पज, और जनरल पब्लिक को ऑफर की गई कि हम इतने शेयर्स मार्केट में सेल करना चाहते हैं, उस कैपिटल को फिर हमने क्या नाम दे दिया, इशूड कैपिटल का नाम दे दिया। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल का नाम इसीलिए दिया कि ऑथराइज में हमने 10 मिलियन रजिस्टर्ड करवा लिया और उस 10 मिलियन में से कंपनी अब 5 मिलियन के शेयर्स इशू करने जा रही है, इशू करने जा रही है। इशूड का मतलब इशू हुए नहीं है अभी, इशू करने जा रही है। इट मीन्स दैट कि जो जनरल पब्लिक को ऑफर किए गए, अब वो जो ऑफर कर दिए गए, तो जब लोगों को ऑफर मिल गई तो लोगों ने फिर क्या किया कि वो शेयर्स परचेस करने के लिए कंपनी का प्रॉस्पेक्टस परचेस किया, और प्रॉस्पेक्टस परचेस करके अब जो पर्सन जितने शेयर्स परचेस करना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशंस के साथ उतने पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देता है कि जी मैं इतने शेयर्स परचेस करना चाहता हूं। कंपनी उसके लिए बाकायदा एक डेट देती है जिसको सब्सक्रिप्शन डेट का नाम दिया जाता है, और कंपनी अनाउंस करती है कि जी इस डेट तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी अपनी एप्लीकेशंस अपने पैसों के साथ जमा करवा सकते हैं। तो उस डेट तक फिर कंपनी के पास जितना पैसा उन एप्लीकेशंस के साथ इकट्ठा होता है, जितना कैपिटल इकट्ठा होता है, उस कैपिटल को कंपनी क्या नाम देती है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नाम देती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखिए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच, इशूड कैपिटल का वो पोर्शन फॉर विच जिसके लिए एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से हमने एप्लीकेशंस रिसीव की हैं बाय कंपनी। ठीक है जी, कंपनी ने रिसीव की है। क्लियर होगी बात जी, कि जितना हमने मींस के इशू करने के लिए मार्केट में लाए थे और उसके अगेंस्ट लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन जमा करवाई उसको हमने सब्सक्राइब कैपिटल कहा। अब सब्सक्रिप्शन जो लोग जमा करवाते हैं तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, मे बी पॉसिबल कि जितने शेयर्स हम मार्केट में सेल करने के लिए लाए थे उतनी ही एप्लीकेशन आ जाए, मे बी पॉसिबल उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, और मे बी पॉसिबल उससे कम एप्लीकेशन आ जाए। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हमारी यहां पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे आता है जी कॉल्ड अप कैपिटल। अब इसमें हमने क्या लिखा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कंपनी में रिक्वायर पेमेंट ऑफ शेयर्स आइदर इन इंस्टॉलमेंट्स और इन लमसम, सो अमाउंट ऑफ शेयर्स डिमांडेड बाय कंपनी इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। अब होता यह है कि सब्सक्रिप्शन के टाइम के ऊपर सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोग फुल पेमेंट सबमिट नहीं करवाते, बल्कि 50% जमा करवाकर कंपनी की सब्सक्रिप्शन देते हैं कि जी हम 50% जमा करवा देते हैं। अगर कंपनी फाइनली उन लोगों को सिलेक्ट करती है कि ठीक है जी हम आपको शेयर्स देना चाहते हैं, तो फिर कंपनी उनको कॉल करती है और कॉल करके उनसे बकाया पैसों की भी डिमांड करती है। तो जितने पैसों की बकाया डिमांड की जाती है, बकायदा कॉल करके उनसे डिमांड की जाती है, तो उस कैपिटल को फिर हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल का नाम दिया जाता है। और कॉल्ड अप कैपिटल जब उनसे डिमांड करके पैसे आ गए और पैसे आने के बाद फाइनली जब कंपनी उनको शेयर्स इशू करती है, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, पेड अप कैपिटल का नाम देते हैं, कि इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली रिसीव बाय द कंपनी, के कैपिटल का वो पोर्शन जो फाइनली कंपनी ने रिसीव किया और इसके अगेंस्ट कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर दिए उसको फिर हमने क्या नाम दे दिया, पेड अप कैपिटल का। तो इसकी जो कंप्लीट टर्म यूज की जाती है दैट इज इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नाम से इस टर्म को हम यूज करते हैं। क्लियर होगी बात जी यहां तक जी। अब यहां पर हमने स्टॉक और शेयर्स के कुछ टाइप्स के बारे में बात की है, इसको भी जरा व्यू करते हैं। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक, हमने शेयर्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉमन स्टॉक है और प्रेफर्ड स्टॉक है। अब प्रेफर्ड स्टॉक की अगर मैं यहां पर बात करूं पहले, तो प्रेफर्ड स्टॉक जैसे कि बाय नेम शो होता है कि प्रेफर्ड, इनको प्रेफरेंस मिलेगी। कहां पर? दो जगह पर इनको प्रेफरेंस दी जाती है, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड पहले दिया जाएगा, कॉमन को उसके बाद में दिया जाता है। पहली प्रेफरेंस इनको ये मिली, और दूसरी प्रेफरेंस इनको ये मिलती है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है, कंपनी के तमाम एसेट्स बिकते हैं, तमाम लायबिलिटीज की पेमेंट होती है, तो लायबिलिटीज को पे करने के बाद कंपनी के पास जब पैसे बच जाते हैं जो कि शेयर होल्डर्स को वापस करने होते हैं, तो उस वक्त भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है। पहले इनको पैसे दिए जाएंगे और इसके बाद पैसे किसको दिए जाएंगे, कॉमन को दिए जाएंगे।
और तीसरी बात ये होती है कि इनको जो डिविडेंड दिया जाता है, इनको जो प्रॉफिट दिया जाता है, वो एक फिक्स डिविडेंड होता है, उसकी परसेंटेज डिसाइडेड होती है और वो फिक्स डिविडेंड होता है जस्ट लाइक अ इंटरेस्ट। जैसे हम किसी लोन के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, इसी तरह से इन स्टॉक के ऊपर, इन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है वो भी क्या होता है, हम फिक्स पे ऑफ कर रहे होते हैं। और कॉमन की बात करते हैं तो मींस कॉमन जनरल शेयर, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स का नाम भी देते हैं, इनके पास एक ही सबसे बड़ा फीचर होता है और इनकी एक नेगेटिव पॉइंट होता है प्रेफर्ड का। प्रेफर्ड का नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनके पास किसी भी किस्म का वोटिंग पावर नहीं होती। अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि कंपनी के कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स ने खुद लेने होते हैं, तो उस वक्त शेयर होल्डर्स जब वो डिसीजन लेने की बात करते हैं, वोट कास्ट करके वो डिसीजन लेते हैं, तो वहां पर जो वोट कास्ट किए जाते हैं उसमें प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कभी भी अपना वोट कास्ट नहीं करते, इनके पास वोटिंग पावर नहीं होती। वो सारी की सारी वोटिंग पावर किनके पास होती है, कॉमन स्टॉक के पास होती है। तो कॉमन स्टॉक का ये एक ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी के मैनेजमेंट में टेक पार्ट करने के लिए जो वोटिंग पावर है वो सारी इनके पास होती है। अब फर्दर आगे इनकी कुछ टाइप्स हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, मैं उसको भी बड़ा जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं आसान वर्ड्स के अंदर। पार वैल्यू स्टॉक की बात करते हैं कि कुछ शेयर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको बकायदा एक वैल्यू असाइन की जाती है। असाइन कौन करता है, कंपनी खुद से डिसाइड करती है कि कंपनी जब अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल लिख रही होती है, जिस वक्त कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करती है, तो उस वक्त कंपनी अपने शेयर की एक वैल्यू डिसाइड कर लेती है, जो कि बाद में रजिस्टर्ड करवाते वक्त कंपनी SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फिर उस वैल्यू को क्या कर लेता है, रजिस्टर्ड कर देता है। तो उस वैल्यू को फिर हम क्या नाम देते हैं, पार वैल्यू। तो जिन शेयर्स की वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है उनको फिर हम क्या नाम देते हैं, पार वैल्यू स्टॉक। कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि जो नो पार वैल्यू स्टॉक, जिनकी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं होती एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन, फिर जिस वक्त जरूरत होती है और जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डायरेक्टर्स खुद से डिसाइड कर लेते हैं। और स्टेटेड वैल्यू की बात भी हम इसी तरह से करते हैं कि स्टेटेड वैल्यू भी ये होता है कि इनकी पार वैल्यू तो कोई नहीं है, रजिस्टर्ड वैल्यू तो कोई नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स के पास इस बात की पावर होती है कि वो इन शेयर्स को किस वैल्यू पर सेल करना चाहते हैं, जो वैल्यू वो इनको असाइन करते हैं वो इसकी स्टेटेड वैल्यू कहलाती है। तो ये थ्री टाइप्स हमारे पास किसकी है, कॉमन की। फर्दर हम बात करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक की, तो प्रेफर्ड स्टॉक की हमने फाइव टाइप्स को यहां पर डिस्क्राइब किया, जिसमें नंबर वन क्यूमुलेटिव स्टॉक की बात की हमने। क्यूमुलेटिव स्टॉक मींस कि एक साल में सपोज करते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी ने इनको डिविडेंड्स पे नहीं किया। अब अगले साल जब हम आए, अगले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड, जब तो क्या उनको पिछले साल का मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। क्यूमुलेटिव का मतलब है क्यूमुलेट करना, सम करना, मींस दैट कि इनको फिर उस साल में दो साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल वाला भी मिलेगा, इस साल वाला भी मिलेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव स्टॉक के अंदर यह होता है कि इनको पिछले साल वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव को सिर्फ करंट ईयर का मिलता है। तीसरे टाइप में हमने डिस्कस किया है जी कन्वर्टेबल स्टॉक की बात हमने की है। तो कन्वर्टेबल स्टॉक मींस कन्वर्टेबल शेयर्स, ऐसे शेयर्स कि जिसमें ऑप्शन दी जाती है कि वो इनको कन्वर्ट करके प्रेफर्ड से किस में शिफ्ट कर सकते हैं, कॉमन में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे शेयर्स फिर क्या कहलाते हैं, कन्वर्टेबल स्टॉक होते हैं। और आगे फिर हमने दो फर्दर टाइप्स और लिखे हैं जी पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात क्या होती है, पहले हम नॉन पार्टिसिपेटिंग को बात करेंगे फिर समझना आसान होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये होता है कि हमने पहले भी पढ़ा, पीछे डिस्कस करके आए कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पहली प्रेफरेंस किसकी होती है, प्रेफर्ड की। प्रेफर्ड को डिविडेंड जब मिल गया तो प्रेफर्ड को डिविडेंड देने के बाद बकाया जितनी अमाउंट बची वो सारी की सारी फिर किसकी होती है, कॉमन की होती है। फिर उस अमाउंट के अंदर फर्दर प्रेफर्ड स्टॉक का कोई राइट नहीं होता, ऐसे शेयर्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी कि ये फिर उस बकाया प्रॉफिट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ स्टॉक्स प्रेफर्ड के ऐसे भी होते हैं कि जब इनको पहले डिविडेंड मिल भी गया उसके बाद जब बकाया कॉमन स्टॉक को मिलता है उस वक्त भी ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं, उसको हम पार्टिसिपेटिंग का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास क्या थी, टाइप्स ऑफ शेयर्स की हमने बात की यहां पर। ठीक है जी, तो आज का हमारा मेजर मेजर कॉम्पोनेंट्स का जो लेक्चर था वो यहां पर हमारा वाइंड अप हुआ। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं फर्दर क्वेश्चंस की, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बेटा फिर वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप आ जाएं, आई एम अवेलेबल हेयर, मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके तमाम क्वेश्चंस के लिए, आप वहाँ पर मिस्टर डिस्कस कर सकते हैं। होप सो के जितना कोई डिस्कस किया इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्रेटिकल बेसिस लिए बनाया कि ये सारी की सारी हमारी बेसिक्स थी, तो बेसिक्स को डिस्कस कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो मूव करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि हमने असल में इस चैप्टर के अंदर ये जितनी भी डिस्कशन की है कि शेयर्स की बात है, शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, ये सारी डिस्कशन हमने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर फिर हमारा जो होगा उसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे शेयर्स की डिस्कशन कैसे होगी, क्वेश्चंस होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे, इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपके साथ ऐसे ही शेयर करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, मैं इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हूँ जी, क्वेश्चंस आपके लेता रहूंगा, जो जो आपके इश्यूज हैं, क्यूरीज हैं, वो आप मेरे साथ शेयर करते रहिए, आई एम अवेलेबल टू यू। होप सो लेक्चर समझ आया होगा जी, इंशाल्लाह
मुलाकात रहेगी आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।